गुलबर्गा शहर में मौजूद आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में फिर एक बार इन्वेस्टिट्यूचर सेरेमनी और स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स को लीडरशिप गाउन पहनाकर स्कूल में लीड रोल के अहदे से नवाजा गया है। इस प्रोग्राम में जमीर अहमद सर ने चीफ गेस्ट के तौर पर शहर के कुछ खास पॉलिटिकल लीडर्स, डॉक्टर्स और पुलिस इंस्पेक्टर, मीडिया पर्सन को इनवाइट किया था, जिसमें इकबाल अहमद शिरनी फरोज, सैयद अहमद, डॉक्टर इरफान रहीमुल्ला, वाजिद पटेल, आलमदार जैदी, नवाज खान, नजर बागबान, लतीफ अहमद और नूर साहूगार यहां शिरकत किए थे। शहर में मौजूद आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल फर्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग स्कूल है, जहां खासकर स्टूडेंट्स को AI, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पर तालीम दी जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुकी है और अब ये स्कूल CBSE के लिए एलिजिबल हुआ है। इस तरह के प्रोग्राम आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में ऑर्गेनाइज कर स्कूल डायरेक्टर जमीर अहमद सर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर बेहतरीन एजुकेशन देते आ रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को बेहतर तालीम देना चाहते हैं तो न्यू अकेडमिक ईयर 2025-26 में अपने बच्चों का एडमिशन आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में करवा सकते हैं। मजीद इस प्रोग्राम से जुड़ी डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन अप टू SSLC तक हमारे बच्चों को कन्नड़ा एक लैंग्वेज कंपलसरी पढ़ा। क्यों मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बात परसों हमारे इसको भी इसमें गया था गैदरिंग डे के अंदर, तब भी वो बाहर स्कूल वाले को भी मैंने यही बात किया है, आप कौन सा भी मीडियम पढ़ाओ बच्चों, लेकिन एक लैंग्वेज कन्नड़ा कंपलसरी अप टू SSLC तक पढ़ाइए। क्योंकि हमारे कर्नाटक स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज कन्नड़ा रहने की वजह से बच्चे कन्नड़ा बात करना और सीखना, पढ़ना और लिखना जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके इस CBSE सिलेबस के साथ में भी एक कन्नड़ा लैंग्वेज अप टू SSLC तक कंपलसरी करना बोल के मैं इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करते हुए, और आज एक बहुत अच्छा ये फंक्शन कर रहे हैं, इस फंक्शन में मुझे यहाँ पर बुलाकर और हमारे सभी लीडर्स को बुलाकर एक गुलपोशी करें, इसलिए मैं इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साहब और चेयरमैन साहब सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं जमीर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने गुलबर्गे में अब CBSE एफिलिएशन जो इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल को किया है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद जमीर साहब। और इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल के बारे में मैं कई सालों से कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव सुनते रहता हूँ। उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लास्ट 15 डेज पहले एक 10th क्लास की बच्ची मेरे हॉस्पिटल को आई थी, वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जमीर सर ने बोला है कि जो बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं आप हॉस्पिटल्स जाएं, डॉक्टर से मिलें, उनसे बात करें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि डॉक्टर के पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं और नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी होती है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी होती है। तो मुझे ये सुन के इतनी खुशी हुई, ये कॉन्सेप्ट मैं अपने जो दोस्त UK में हैं और कनाडा में हैं वहाँ उनके साथ डिस्कस करते रहता हूँ कि अमूमन कैसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर बनाना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश पूरी करते हैं ये जाने बगैर कि उसके पॉजिटिव साइड क्या है और नेगेटिव साइड क्या है। तो इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में जमीर साहब ने क्या किया है, बोले तो 10th स्टैंडर्ड से एक 8 दिन जब भी आपकी छुट्टी है, आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आप अपने खानदान में कोई इंजीनियर हैं तो उनसे जाइए, उनसे इंजीनियरिंग के बारे में बात करिए, डॉक्टर बनना है तो कोई हॉस्पिटल सेलेक्ट करिए, डॉक्टर से बात करिए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होती है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसा इफेक्ट होती है, उनके मसरूफियात कैसे रहती हैं, वो सब देखने के बाद आप डिसीजन लेना आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस बनना है। तो ये जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आप लेके आए जमीर साहब, ये वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा जो है ना इन्फ्लुएंस्ड है और ये यूजुअली होना चाहिए। हम कैसा है, बस
मेरे वालदैन बोले या मेरी ख्वाहिश है डॉक्टर बनना, वकील बनना, और हम बन जाते हैं। कई ऐसे प्रोफेशन हैं जैसे साइंटिस्ट है, फिजिक्स के अच्छे प्रोफेसर बनना है, केमिस्ट्री में जो है ना हमारा नाम करना है, और आज की डेट में जो AI चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। उन शोभों में भी अगर हम अपने बच्चों को डालेंगे तो हम समाज में जो है ना बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी से जो है ना हम कॉन्ट्रीब्यूट करने के लायक बनेंगे। और एज ए साइकेट्रिस्ट अहमद मेयर साहब ने मुझे कहा है कि स्ट्रेस और पेरेंट्स के लिए भी कुछ बोलिए, क्योंकि मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, पढ़ाई एक टूल है बच्चों को काबिल बनाने का, उसको इतना प्रेशर मत दीजिए कि बच्चे अपना मेंटल बैलेंस भी जो है ना खो दें। जितनी जरूरत पढ़ाई की है उतना ही थोड़ा वक्त उनको खेलने के लिए, माँ बाप से इंटरेक्शन करने के लिए भी वो वक्त होना, टीचर से बात करने का भी वक्त होना। हर बार हर बच्चे को सिर्फ पढ़ो बोलना ये मेंटल स्ट्रेस देता है, उन चीजों से भी आप जो है ना थोड़ा सा परहेज और एहतियात करिए। के इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल वाकई जो आपने स्कूल का नाम रखा है उसके ऊपर आप अमल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है आपके मकासिद को पूरा करे, आपके अजायम को पूरा करे, आपके मकसद को पूरा करे। क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में जाने के बाद हमें ये महसूस हुआ है कि स्टूडेंट्स के लिए लंग स्पेस होना बहुत जरूरी है। आज के माहौल में स्कूल से बहुत सारे हैं लेकिन खेलने के लिए मैदान नहीं है, ई लर्निंग के लिए लेबोरेटरीज नहीं है, आजकल ऑनलाइन हो गई है पूरी दुनिया। तो लिहाजा अभी जिस तरह से जमीन साहब के साथ में हम तमाम ने जो स्कूल का जायजा लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह गुलबर्गा शहर में इस इलाके का एक CBSE एफिलेटेड होने वाला इंटरनेशनल इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल पहला होने जा रहा है। मैं जमीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हम पहले ये समझते थे कि जमीर साहब दो जो है ना क्लासेस, दो रूम के क्लासेस आपके चल रहे हैं, और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आज जमीर साहब जो है ना 3 से 5 एकड़ के एरिए में इतनी बेहतरीन शानदार बिल्डिंग, वो भी जो है ना आपका सिलेबस जो आया है, और आने वाले में समझता हूँ 2025 में यहाँ पे जो है ना बेहतरीन एक कॉलेज का भी जो है ना इनॉग्रेशन होगा, इत्तेदा होगी। तो ये सोच अपने कम्युनिटी के लिए लेकर आए हो, चाहे तो जो है ना कि इंजीनियर थे आप, इसी में बैठ के बहुत कुछ कर सकते थे, मगर एक दर्द था, एक फिक्र थी कि मेरे कौम के लिए मैं कुछ करूं, और वो दर्द ही जो है ना ये बिल्डिंग की जो है ना एक एक चीज बता रही है कि जमीर साहब को अपने अपने फॉर्म से कितनी मोहब्बत है। और वाजिद पटेल साहब सर्कल इंस्पेक्टर साहब ने अपने एक बात बताई कि हमारे जो कन्नड़ा जुबान जो है कर्नाटका में, जो कर्नाटका जुबान के ज्यादा हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर कन्नड़ा के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देते पेरेंट्स, तो उन्होंने जो सजेशन दिया है कि आप बच्चों को कितना भी एजुकेशन दो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन आने वाले दिनों में आपको जब भी कोई जॉब करना है या आपको कुछ काम करना है, आपका जो है प्रोग्रेस बच्चों को तरक्की वगैरह को मिलना है, तो आपका कर्नाटका जो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके एतबार से आपने जो मशवरा दिया वाजिद पटेल साहब ने, मैं उसको बखूबी अच्छा सराहता हूँ। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है आप लोगों के पीछे, और टीचर्स का एक सेल्फलेस जॉब है जो बिना कोई लालच के आपके फ्यूचर को बेहतरीन बनाने में आपको दिन रात देते हैं। तो आप भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स लाकर जमीन सर का सर और स्कूल का ही इनोवेटिव का स्कूल का नाम रोशन करना आपका फर्ज है। और इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैमिली में लेडीज का बहुत बड़ा रोल होता है, बेटी के तौर पर, बीवी के तौर पर, माँ के तौर पर, सेल्फलेस वो लोग हर एक की खिदमत करने में लगे हुए हैं। तो हस्बैंड से और जो शौहर हैं या बेटे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि औरतों को इज्जत करें, लेडीज की रेस्पेक्ट करें, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है एक इंसान की लाइफ को बनाने में। Do it!
आज इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल के इन्वेस्टिट्यूटर सेरेमनी और स्पोर्ट्स का इवेंट रखा गया था, जहां पर बच्चों को एक लीडरशिप की गाउन के साथ उनको नवाजा गया। साथ ही साथ बच्चों ने स्पोर्ट्स में बेहतरीन अंदाज में वो अपना परफॉर्मेंस दिए हैं। उसके साथ हम शहर के मशहूर और मारूफ पॉलिटिशियन और शहर के बड़े डॉक्टर और सर्कल इंस्पेक्टर, इन सबको मधु किया था। वो लोग आए और आके जो है बच्चों को और हमारे स्कूल के टीचर्स को, स्टाफ को बहुत ही अप्रिशिएट किए। हम चाहते हैं कि जैसा कि हमने बताया था कि आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल को CBSE का NOC मिला है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो है 3 acre का कैंपस में एक बेहतरीन प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ AI, रोबोटिक्स और नए नए टेक्नोलॉजीज के साथ आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को तालीम के साथ साथ वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशनिस्ट के साथ तरबियत का भी मौका देता है। और हम गुजारिश करते हैं कि वालिदैन आएँ और इस स्कूल को एक्सप्लोर करें और अपने बच्चों को एडमिशन कराएं।